नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम अलसी के मीठे पराठे बनाएंगे। अलसी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पराठे बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेंगे। और ये पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आइए अलसी के मीठे पराठे बनाना शुरू करते हैं। अलसी के मीठे पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। प्याले में हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ग्राम्स में ये 150 ग्राम आटा है। आटे में हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। और इसमें हम 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर सकते हैं या फिर इसे हमने ऐसे ही डाल लिया है, और इसे हम अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पराठे के लिए नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये हमने नरम आटा गूंथ करके तैयार कर लिया, और इतना आटा गूंथने में 1/2 कप पानी लगा है। आटे को हम ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा हमारा सेट हो जाएगा, इसके बाद पराठे बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर हाथ को चिकना कर लेते हैं और आटे को थोड़ा सा और मसल लेते हैं। यह हमारा आटा पराठे बनाने के लिए तैयार हो गया, और अब हम इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो स्टफिंग में हमने ये अलसी का पाउडर लिया है। अलसी का पाउडर बनाने के लिए हम अलसी लेंगे। अलसी ब्राउन कलर के ये बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं, खरबूजे के बीज जैसे आकार के होते हैं, लेकिन उससे बहुत छोटे होते हैं। और अलसी को हम भूनेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा कढ़ाई को गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद अलसी को साफ करके कढ़ाई में डालेंगे और लगातार चलाते हुए उसे हम भूनेंगे। अलसी बहुत जल्द भुन जाती है। जस्ट 2 मिनट में अलसी भून करके तैयार हो जाती है। भुनने के बाद अलसी के बीज थोड़े थोड़े फूले फूले दिखाई देने लगते हैं। आप उन्हें खा करके देखेंगे तो एकदम क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमने अलसी को भुना और थोड़ा ठंडा किया और मिक्सर से पीस करके पाउडर बना लिया है। तो ये अलसी का पाउडर है। 1/4 कप हमने अलसी का पाउडर लिया है, और ग्राम्स में ये 30 ग्राम अलसी का पाउडर है। 1/4 कप चीनी ली है। ग्राम्स में 50 ग्राम चीनी है। चीनी को हम अलसी के पाउडर में डाल करके मिक्स करेंगे। और अलसी का पाउडर आप एक बार बना करके रख लें, आराम से आप उसे 1 महीने या 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। जब भी आपको पराठा बनाना हो या किसी भी चीज़ में अलसी का पाउडर यूज करना हो, आप उसे कर सकते हैं। चीनी और अलसी पाउडर को हमने अच्छे तरीके से मिला लिया है, और अब हम इसमें घी डालेंगे। तो हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। हमें इतना घी डालना है कि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से बाइंड हो जाए, और घी को भी हम इसमें मिलने तक मिक्स कर देते हैं। ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई। आटा तैयार है, स्टफिंग तैयार है, पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए हम आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे। पराठे हम अपनी पसंद से थोड़े छोटे थोड़े बड़े बना सकते हैं। हम थोड़े मीडियम पराठे बनाएंगे। तो हमने एक मीडियम साइज़ के नींबू के बराबर आटा तोड़ लिया है। आटे को हम गोल लोई बना करके तैयार करेंगे, चपटा कर लेंगे और सूखे आटे में लपेटेंगे। पराठे को हम 3-4 इंच के व्यास में बेल लेंगे, और इसके ऊपर हम 2 छोटे चम्मच
स्टफिंग रखेंगे। और स्टफिंग को चारों ओर से बंद करेंगे इस तरीके से, उंगलियों से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि स्टफिंग चारों ओर एक जैसी फैल जाए। और अब हम इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और थोड़ा सा मोटा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। स्टफ पराठे थोड़े से मोटे रखे जाते हैं। ये पराठा हमने बेल लिया और पराठे सेकने के लिए हमने तवे को भी गर्म कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो गया है, इस तरीके से तवे के ऊपर हम हाथ ले जाकर देखेंगे, हाथ पर हीट आ रही है, तवा गर्म है। तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को तवे पर चारों ओर फैलाएंगे और पराठा सिकने के लिए तवे पर डालेंगे। जब तक हमारा ये पराठा सिकेगा, इधर हम दूसरा पराठा बेल करके तैयार करेंगे। हमारा पराठा ऊपर से थोड़ा सा डार्क हो गया है, यानी कि नीचे से पराठा सिक करके तैयार है, तो हम इसे पलट देते हैं और पराठे को दूसरी सतह पर भी सिकने देते हैं। पराठा हमारा दूसरी सतह से भी थोड़ा सा सिक गया है, हम पहली सतह पर थोड़ा घी डालेंगे और पराठे पर चारों ओर फैलाएंगे। पराठे को पलट देते हैं, इस ओर भी थोड़ा सा घी डालेंगे और पराठे पर चारों ओर फैलाएंगे और मीडियम आग पर पराठे को थोड़ा थोड़ा सा दबाकर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेकेंगे। पराठा दोनों ओर से अच्छा ब्राउन सिक करके तैयार हो गया है। पराठे को उठा करके हम किसी भी प्लेट पर रखी हुई प्याली के ऊपर या फॉइल पर रख लेंगे या फिर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसेंगे। पराठा तवे से उतरकर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारे पराठे हमने सेक करके तैयार कर लिए हैं और इतने आटे में 5 पराठे बन करके तैयार हुए हैं। अलसी के पराठे बन करके तैयार हैं, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। और अलसी के पराठे को खट्टी मीठी चटनी के साथ या खट्टे मीठे अचार के साथ में परोस सकते हैं। अलसी के पराठे बच्चों को सुबह नाश्ते में बना करके दीजिए, उनके टिफिन में रख दीजिए और उन्हें डिनर में भी बना करके खिला सकते हैं। आप भी ये पराठे खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अलसी के पराठे बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, पराठे को एकदम ज़्यादा दबाव देते हुए नहीं बेलना है कि पराठा फटे ना, और अच्छे से मीडियम आग पर दोनों ओर पराठे को ब्राउन होने तक सेक करके तैयार कर लीजिए। आग तेज होगी, पराठा जल्दी से जल जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।